कांग्रेस पार्टी का रुख बेटे अपना सकते हैं, क्योंकि जो बयान उनकी तरफ से आया वो वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाफत दर्शाता है। साफ तौर पर कार्तिक सिंह चौहान का ये कहना था जनता से अपने मंच से कि जनता के सामने वोट मांगने चुनावों में मैं आया था, ना कि मेरे पिताजी शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी किए वादे और घोषणाएं पूरी नहीं करती है तो मैं ही आपके लिए सरकार के भी खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे में दिनेश बात लगातार जारी है। तो एक छोटा और आखिरी सवाल मैं आपसे इस मुद्दे को लेकर के ये लेना चाहूंगा कि शिवराज ने जिस तरह से चुनावों से पहले बयान दिए कि मैं चला जाऊं क्या मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, कुछ इस तरह के बयान वो लगातार दे रहे थे, और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं दिल्ली जाकर भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा, मैं कोई यहां पर रिजेक्टेड सीएम नहीं हूं। कहीं ना कहीं बगावत हल्की सी दृष्टि है उनके इन बयानों से। क्या मतलब ये निकाला जाए कि शिवराज मन में ये लेकर चल रहे हैं कि मैं पार्टी से अलग हट के चाहे अपनी नई पार्टी बना लूंगा या कांग्रेस का हाथ थाम लूंगा? यहाँ पर देखिए अक्षय, ये जो बयानबाजी हो रही है ना, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चाहे बीजेपी हाईकमान इसको हल्के में ले रही है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति इस वक्त मजबूत है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। लेकिन ये जो एक पार्टी नेता जो पिछले 18-20 सालों से मुख्यमंत्री रहा है, उसके द्वारा जो बयानबाजी हो रही है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज देती है कि पार्टी में कहीं ना कहीं सियासी भविष्य उनका निर्धारित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज नेता को इस कदर जो है पार्टी से निकाला जा सकता है, उनकी भूमिकाओं पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, तो फिर यहाँ से जो है छोटे कार्यकर्ता हैं या छोटे जो स्तर के नेता हैं उनका कोई खास महत्व रहता नहीं है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के जो बयान हैं ये काफ़ी गहरे साबित हो सकते हैं बीजेपी हाईकमान के लिए, और आने वाले चुनाव में हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए। वाकई में ये जो बयान है बैकफायर कर सकते हैं, और इस समय सियासी स्थिति देखकर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद यानी कि 2024 में अब जब लोकसभा चुनाव होंगे और परिणाम जब जग जाहिर होंगे, ऐसे में अगर बीजेपी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता तक अपना रास्ता तय कर लेती है, तो उसके बाद अगर शिवराज सिंह चौहान को में बड़ी जिम्मेदारी बतौर बड़े मंत्रालय के रूप में नहीं दी जाती, तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में बीजेपी से इतर हटके अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।